हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम राजस्थान के जीके पढ़ने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जिसे आपको याद रह जाए, और ऐसे तथ्य देखेंगे जो आपको याद रहने लायक हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या पहलेस जिसे एक बार पढ़ लिया तो कभी देखना नहीं होगा दोबारा से। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को दबा लो, लाइक कमेंट शेयर कर लेना। तो आज हमें पढ़ने वाले हैं ताजमहल। ताजमहल जो कि आगरा में है, सबको पता है, और शाहजहाँ ने मुमताज महल की स्मृति में बनाया था, तो एक स्मारक हुआ। और ऐसे ही ऐसे स्मारक अपने राजस्थान में भी है। तो सबसे पहला है मारवाड़ का ताजमहल। मारवाड़ का ताजमहल नाम सुनते ही अपने को जोधपुर की याद आती है। तो ये कहाँ है? जसवंतथड़ा, जोधपुर के अंदर। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था सरदार सिंह ने। किसकी याद में? अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। तो ये भी एक स्मारक हुआ। तो चलिए दूसरा चलते हैं दोस्तों। दूसरा है शेखावाटी का ताजमहल। शेखावाटी का ताजमहल है दोस्तों खेतड़ी महल झुंझुनू। अब जैसे इसमें खेतड़ी में ख आ रहा है और शेखा शेखा में ख आ रहा है, तो ये आपको याद रह जाएगा कि शेखावाटी का ताजमहल जहाँ तांबा निकलता है, तांबा कहाँ निकलता है? खेतड़ी में। तो खेतड़ी महल झुंझुनू, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये खेतड़ी महल झुंझुनू है, इसे शेखावाटी का जो है ताजमहल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है, ये जो है 1770 में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये 1770 में किसके द्वारा बनाया गया था? ये खेतड़ी के जो महाराजा थे भोपाल सिंह, उन्होंने बनाया था, और अपने दादा यानी कि शार्दुल सिंह की स्मृति में। शार्दुल सिंह जो इनके हैं दादाजी थे। और अब देखो दोस्तों, जो ये खेतड़ी का महल है, खेतड़ी महल झुंझुनू, अब आप विचार करते हो ये 1770 में बना, और जो जयपुर का हवा महल है वो 1799 में बनाया गया था सवाई प्रताप सिंह द्वारा। क्योंकि जब ये 1770 में ये बनकर तैयार हो गया, तो सवाई प्रताप सिंह ने इसको देख कर ही उनके मन में विचार आया कि अपन भी ऐसा जयपुर में जो है बनाते हैं, तो इसी के द्वारा उसको बनाया गया। क्योंकि इसके जो झरोके हैं वो हवा महल के समान ही है, हवा महल के जैसे इसके झरोके हैं, ठीक है दोस्तों। और जो मैंने जो पहले जसवंत वो थड़ा बताया था, तो उस पर क्या है कि जैसे ताजमहल पे सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो वो भी चमकता है, इसी वजह से इसी तरह ये जसवंत थड़ा का जो ये भी है चमकता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर अगले है कांटल। अब आपको पता है कांटल किसे कहते हैं? कांटल तो प्रतापगढ़ को कहते हैं। तो प्रतापगढ़ में एक है काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़, वहाँ पे भी उसको जो है कांटल का ताजमहल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इससे तो आपको याद रखना आसान ही होगा, का काका, ठीक है, कांटल, इसमें का आ रहा है, इसमें काका आ रहा है, तो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। फिर अब दूसरा है दोस्तों, पहला तो था राजस्थान का ओनली ताजमहल ही था, अब राजस्थान का दूसरा ताजमहल। अब ये दूसरा ताजमहल कौन सा है? तो यह है राय मलोत का थड़ा बाड़मेर। जो वो था वो जसवंत थड़ा था ओनली, तो जसवंत थड़ा यानी कि पहला, राय मलोत का यानी कि दूसरा, राय मलोत का थड़ा दूसरा ताजमहल है वो बाड़मेर में है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब आ गए राजस्थान का छोटा ताजमहल। छोटा ताजमहल जो है, छोटा से हो गया कोटा। अब कोटा में कौन सा? अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल कम सुनते हैं, तो छोटा हो गया और कोटा में, ठीक है। फिर राजस्थान का वस्त्र ताजमहल। वस्त्र ताजमहल कहाँ? यह है लाल डेरा मेहरानगढ़, यानी कि जो जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट है उसके अंदर एक लाल डेरा नाम की जगह है, उसे राजस्थान का वस्त्र ताजमहल कहता है। और दोस्तों इसकी एक सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि अपने जो जैसे राजस्थान में मारवाड़ में कई जैसे बारात जाती है, तो बारात को कहाँ ठहराया जाता है? डेरा के अंदर, यानी कोई जगह बनाई जाती है उसको डेरा बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि जब शादी हो जाती है, सब फेरे हो जाते हैं, उसके बाद दुल्हन क्या करती है? लाल वस्त्र पहनती है, और लाल वस्त्र पहन के कहाँ जाती है? डेरे में जाती है दूल्हे के साथ। तो इससे याद हो गया कि राजस्थान का वस्त्र ताजमहल कौन सा है? लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखो दोस्तों, ये तो ताजमहल हो गए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ करण, मतलब कर्ण। एक तो कर्ण वो हुआ था, और अब ये कलयुग के कर्ण, कलयुग में भी कर्ण हुआ था, तो कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? लून कर्ण बीकानेर। ये लून कर्ण सिंह बीकानेर का था, इसे जो है कलयुग का कर्ण कहा जाता है,
अगला है फ्रेंड्स कि राजपूताने का कर्ण। अभी राजपूताने का कर्ण कौन सा हो गया? राजपूताने का कर्ण है रायसिंह। ये आपको आराम से याद हो जाएगा, इसमें रा आ रहा है, इसमें रा भी आ रहा है, रायसिंह राजपूताने कर्ण, और उसमें कर्ण आ रहा है लूण कर्ण, तो ये हो गया कलयुग। उसमें भी क आ रहा है, इसमें भी क आ रहा है, और बीकानेर, ये दोनों बीकानेर के ही रहे, ठीक है? तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लूण कर्ण सिंह है, ये रायसिंह है, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कलयुग का कर्ण हो गया, राजपूताने का कर्ण हो गया, अब राजपूताने का पूरा राजस्थान आ गया, और फिर आ गया मेवाड़ का कर्ण। अब मेवाड़ का कर्ण कौन है? तो मेवाड़ का कर्ण है जगत सिंह प्रथम, ठीक है फ्रेंड्स? ये जो अमर सिंह का पुत्र था जगत सिंह प्रथम, ये मेवाड़ का कर्ण है। अब इनको कर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दानी थे, इसलिए इनको कर्ण कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? अब आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाथर और पित्थर उपन्यास। उपन्यास की बात आ रही है, तो ये किसने लिखा था? ये आपको पता है कन्हैयालाल सेठिया ने, जो वीर रस के कवि थे, तो उन्होंने लिखा पाथर और पित्थर उपन्यास। अब आपको पता फ्रेंड्स इसमें दो शब्द हैं, पाथर और पित्थर। अब दोनों फ्रेंड दोनों का मतलब तो अलग अलग हुआ। पाथर, पाथर का मतलब क्या हो गया? पाथर का मतलब हो गया महाराणा प्रताप से, और पित्थर का मतलब हो गया पृथ्वीराज राठौर से। अब फ्रेंड्स इसकी मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, जिससे आपको याद रह जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ के थे, और पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के थे? ये बीकानेर के थे। तो ये क्या, ये कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ जो है बीकानेर का शासक था राज सिंह, उसके भाई थे, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, और ये वीर रस के कवि थे, तो मतलब अच्छी अच्छी कविताएँ लिखते थे, और ये जो है प्रताप के समर्थक थे, ठीक है फ्रेंड्स? प्रताप के समर्थक थे। अब आपको मतलब सीधी सी बात है, प्रताप के समर्थक होंगे तो अकबर को गुस्सा आएगा, अकबर को इस पर गुस्सा आता था, तो भी इसको रखते थे, क्योंकि ये जो उसके अकबर के मन में जो है महाराणा के प्रति विरोध का भाव पैदा करते थे, ये प्रताप का गुणगान करते थे, तो अकबर को गुस्सा आता था, गुस्सा आता था, वो नई नई प्लानिंग बनाता था अकबर को अधीन करने के लिए। तो अब जो आपको स्टोरी सुनाता हूँ पृथ्वीराज राठौड़ की और महाराणा प्रताप की, तो क्या हुआ था, जब महाराणा प्रताप जंगल में रह रहे थे, मतलब इनको बहुत विपत्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो एक दिन क्या हुआ था, प्रताप ने जो है अपने छोटी लड़की को आधी रोटी के लिए बिलखते देखा, तो इस घटना से वो विचलित हो गए, और उन्होंने सम्राट जो अकबर था उसके पास एक संधि का संदेश भेज दिया कि भाई अब ये विपदा अपने से कंट्रोल नहीं होती है। तो उन्होंने अकबर को जो एक सम्राट को संदेश भेज दिया, संधि सम्राट, कि मैं संधि करने को राजी हूँ। तो इस पर अकबर तो खुश होना ही था कि भाई अधीन आ रहा है अपने, जो युद्ध से नहीं आ रहा वो अपने मर्जी से आ रहा है। तो उन्होंने पृथ्वीराज को जो है पत्थर दिखाया, क्योंकि वो उनके दरबार में थे, उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को पत्थर दिखाया, क्या देख भाई तू जिसकी समर्थक है, जिसकी प्रशंसा करता है, वो मेरे अधीन खुशी खुशी आ रहा है। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने जो है ये माना नहीं, वो सोचा, उसने फिर इस उसकी सच्चाई में विश्वास, उसको सच्चाई में विश्वास था, और तो भी उसने मना कर दिया कि प्रताप कभी ऐसा नहीं कर सकता, और उन्होंने अकबर की स्वीकृति से महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा जो वीर रस से उत्प्रोत था, बोले तो उसमें वीर रस के भाव भरे हुए थे उस पत्र में, तथा वो पत्र जो है अत्यंत उत्साहवर्धक कविता से परिपूर्ण था। उसमें उन्होंने लिखा कि हे राणा प्रताप, तेरे खड़े रहते कौन है ऐसा जो मेवाड़ को घोड़ों के खुरों से रौंद सके, कि तेरे होते तेरे खड़े रहते ऐसा कौन है जो मेवाड़ को अपने अधीन कर सके, कि हे हिंदूपति प्रताप, हिंदुओं की लाज रखो, अपनी शपथ निभाने के लिए सब तरह की विपत्ति को सहन करो, हे दीवान मैं अपनी मूछ पर हाथ फेरूं या अपने देह को तलवार से काट डालूं, उन दोनों में से इन दोनों में से आप जो है एक बात का मुझे जवाब देना, कि या तो मैं अपनी मूछ पर हाथ फेरूँ यानी कि तेरे दम पे मैं भी कविताएं कर सकूँ और खड़ा रह सकूँ, या फिर अपनी देह को तलवार से काट डालूँ, क्योंकि तू इनके अधीन आ जाएगा तो राजपूताने की जो है इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो प्रताप ने लिखा, प्रताप को फिर दृढ़ निश्चय हुआ कि यार अपनी भी प्रशंसा वहाँ कर रहा है तो अपन क्यों झुके, अपन तो जैसे वैसे रहे। तो फिर उन्होंने फिर से दृढ़ निश्चय कर लिया और स्वाधीन रहने की कसम खा ली। तो फिर प्रताप ने फिर उनको पत्र लिखा पृथ्वीराज राठौड़ को कि हे वीर, अब प्रश्न होकर मूछ पर हाथ फेरिए, जब तक प्रताप जीवित है मेरी तलवार इस मुगलों या तुर्कों के लिए तुर्कों के सिर पर ही मंडराती रहेगी, और मैं इनके दिन तक स्वीकार नहीं करूँगा। तो फिर जो है
पृथ्वीराज राठौड़ को जो है अच्छा लगा, और उन्होंने प्रताप को, उन्होंने अकबर को कहा कि देख ये प्रताप का लेटर, ये है वो झूठा लेटर है, पहले आया जो, मतलब पहले पत्थर जो था वो झूठा है, प्रताप कभी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये इनकी कहानी थी। और आगे क्या हुआ, पृथ्वीराज की जो एक पत्नी थी रानी लीला दे, पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी, तो वो भी बड़ी गुणवती थी और वो भी कविता करती थी। तो उनकी जो है युवावस्था में मृत्यु हो गई, तो जो पृथ्वीराज राठौड़ को जो है सदमा बैठ गया। तो सब जब उन्होंने सब को चिता पर जलाया तो वे चित्कार उठे, और उन्होंने उन्होंने कहा तो रान दियो नहीं खांसिया, रे वास दे निश्चड़, मुंह देख तो तू बालिया शाल रेंदा हड, कि हे अग्नि तूने जो है तेरे तेरे पे जो खाना बनेगा, यानी कि तेरे पे जो रांधा जाएगा खाना, वो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे देखते तू मेरी पत्नी को जला रही है और पीछे सिर्फ हड्डियाँ छोड़ी हैं। तो फिर इस सदमे से बाहर निकालने के लिए जैसलमेर जो सब सामंतों ने जैसलमेर के राव की पुत्री चंपादेव से उनका फिर से विवाह करा दिया, और वह भी जो है कविता करती रही। तो ऐसी थी इनकी पृथ्वीराज राठौड़ की कहानी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ कि आगे अपन आता है केसरी पे, कि भाई मेवाड़ केसरी कौन है। तो मेवाड़ केसरी सीधी सी बात है महाराणा प्रताप है। मारवाड़ केसरी, ये तो अपने को पता दुर्गादास राठौड़ है, वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने जो अजीत सिंह को मुगलों से बचाकर जो है जोधपुर का राजा बनाया था। अगला है जयपुर केसरी। अब जयपुर से केसरी कौन है, श्याम सिंह पच्चेवर। ये याद रखने वाली बात है कि श्याम सिंह पच्चेवर जो है जयपुर केसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स जो ये तथ्य बताए ना, वो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी टाइम ये रिपीट होते रहते हैं। तो आगे दोस्तों, ये दो चीज़ें कन्फ्यूज करने वाली, एक तो वीर भारत समाज, इसकी स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी, और दूसरा है वीर, सॉरी दोस्तों, एक वीर भारत सभा है, ये नीचे वाली जो है वीर भारत सभा है, या मिस प्रिंट हो गया, वीर भारत सभा की स्थापना जो है केसरी सिंह भारत ने की थी, और वीर भारत समाज जो है इसकी स्थापना जो है विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे राजस्थानी भाषा का संक्षिप्त शब्दकोश, ये किसने लिखा था, सीताराम लालस ने लिखा था, याद रहना चाहिए फ्रेंड्स। संक्षिप्त शब्दकोश सहस्र दो बार आ रहा है, तो इसमें भी सहस्र दो बार आ रहा है। फिर आ गया है पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण ये किसने लिखा था, ये रामकरण अशोपा ने लिखा था, ये भी याद रहना चाहिए दोस्तों। कर्ण से करण इसमें भी आ रहा है, तो मैंने ऐसे ही जोटे हैं ट्रिके आपके लिए बनाई है ये, और बहुत मेहनत हुई दोस्तों, तो लाइक करना प्लीज़ ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और एक लास्ट है फिर फ्रेंड्स, कि अच्छलदास खिचड़ी वचनिका, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शिवदास गार्डन ने लिखी है। ये बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है कि अच्छलदास खिचड़ी की वचनिका के लेखक कौन है, तो अच्छलदास इसमें भी दास आ रहा है, इसमें भी दास आ रहा है, तो शिवदास गार्डन, तो आपको याद रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।